कि सपने वो नहीं जो हमें सोते वक्त आते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने ना दें। है कि बड़े सपने देखिए, हौसला बुलंद रखिए और इरादा मजबूत रखिए। नमस्कार, मैं हूं सौरभ, सोनम टाइम्स में आपका स्वागत है। मिथिला क्षेत्र के DIG बाबूराम ने लहिया साय थाना पर आयोजित पुलिस सप्ताह कार्यक्रम के दौरान दरभंगा पुलिस को 5 प्रणों की शपथ दिलाई। आइए विस्तार से जानते हैं आखिर ये 5 प्रण हैं क्या बिहार पुलिस के। बिहार पुलिस के 5 प्रणों में महिला अपराध के विरुद्ध, रंगदारी के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध, आधिकारिक पद दुरुपयोग और अनुचित आचरण, पुलिस स्टेशन के खराब रख रखाव तथा वर्दी का अनुचित पहनावा को शामिल किया गया है। बिहार के DGP RS भट्टी ने बिहार पुलिस के 5 प्रण का फॉर्मूला तैयार किया है। 5 प्रण का कोड 100-75-30-20-0 रखा गया है। DGP ने इस फॉर्मूले पर काम करने के निर्देश दिए हैं। बिहार पुलिस के 5 प्रण में सबसे पहला 100 नंबर है, यानी थानों में शिकायत या एफआईआर दर्ज कर वादी को प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराना। दूसरा, महिला अपराध की सुनवाई से लेकर कार्रवाई महिला पुलिस पदाधिकारियों द्वारा करना और महिलाएं डायल 112 पर कॉल करेंगी तो महिला कर्मी ही उठाएंगी। वहीं बिहार पुलिस के 5 प्रण में दूसरा अंक 75 है। इसके बारे में बताया गया कि टॉप 10 अपराधियों की गिरफ्तारी और हिंसक अपराधों का उद्भेदन करना और 75 दिनों में अनुसंधान का निष्पादन करना है। वहीं 5 प्रण में तीसरा नंबर पर 30 अंक है, इसमें थाना पर नागरिकों को 30 मिनट में सेवा उपलब्ध कराना है। 5 प्रण में चौथा अंक 20 है, इसके बारे में बताया गया कि आपातकालीन सेवा डायल 112 किसी भी हिस्से में 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। पुलिस अधीक्षक हैं, जो थाना अध्यक्ष हैं, अपनी टीम को लेकर इस सारे मिशन को पार लगाने का बीड़ा आज से ही उठाएं। और 5 प्रण में अंतिम अंक 0 है, यानी कि 0 टॉलरेंस। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी नागरिक सेवा प्रदान करने के लिए बिहार पुलिस को कोई भी शुल्क नहीं लेना होगा और पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त पुलिस प्रशासन बनाना होगा। ये प्रण पुलिस के अपने आचरण और अपने आंतरिक अनुशासन से संबंधित है, जिसमें भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग, इसके प्रति जीरो टॉलरेंस का प्रण सभी ने लिया है। तो किसी भी नागरिक सेवा के लिए किसी भी तरह का पैसा लेना या पैसे की मांग करना या कोई अन्य प्रतिफल की अपेक्षा रखना या करना वो दंडनीय है, गैर कानूनी है और ऐसे कोई मामला सामने आएगा तो उसको कड़ाई से निपटा जाएगा।